Hello students, how are you all? I hope you all are good and great. I am Padmini Lal and today we are going to discuss the lesson Making Best Out of Waste, her forte. From your English book, class 7th. Before going to start this lesson, let's discuss the topic of this lesson, the heading of this lesson. Making Best Out of Waste means मेकिंग बेस्ट, श्रेष्ठ बनाना. किससे? आउट ऑफ वेस्ट, बेकार की चीज़ों से कुछ श्रेष्ठ बनाना. हर फॉर्टे, फॉर्टे मीन्स उनकी काबिलियत. यह उनकी काबिलियत थी कि वो वेस्ट मटेरियल से, रद्दी चीज़ों से कुछ बेहतर बना देते, कुछ श्रेष्ठ बना देते थे. आपने सुना ही होगा, बीच में ये बहुत चला था, कबाड़ से जुगाड़. बस कुछ ऐसा ही है बच्चों. तो चलिए, ये हुनर किन लोगों में है इस लेसन के जरिए जानते हैं. ये लेसन बच्चों एक रिपोर्ट है, एक लेख है, और ये रिपोर्ट छपा था इंग्लिश न्यूज़पेपर द हितवादा में. तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या है. चलिए शुरू करते हैं. स्टाफ रिपोर्टर भिलाई, सेप्टेम्बर 23, द हितवादा. Rukmani Chaturvedi has got the art to make the best out of waste. Waste means raddi. ये जो report है, ये लिया गया है staff reporter के द्वारा, जो कि भिलाई के हैं, और ये लिया गया है दिनांक September 23 को 2003 में, और ये छपा था The Hitwada newspaper में. Rukmani Chaturvedi, याद रखिएगा ये नाम. रुक्मणी चतुर्वेदी को ये कला आती थी. शी हैज गॉट द आर्ट टू मेक बेस्ट, श्रेष्ठ बनाने की कला आती थी. किससे? आउट ऑफ वेस्ट, बेकार की चीजों से कुछ अच्छा बनाने की कला आती थी. हर मास्टर पीसेस वर शोन टू द भिलायंस एट अ यूनिक एक्सपो वेयर शी प्रेजेंटेड आर्ट वर्क्स मेड आउट ऑफ वेस्ट लाइक भुट्टा, मेज एंड बनाना पील्स. मास्टर पीसेस मीन्स श्रेष्ठ कृतियों, यूनिक मीन्स अनोखा, आर्टवर्क मीन्स कलाकृतियां, पील्स मीन्स छिलके. हर मास्टर पीसेस, उनकी किनकी? रुक्मणी चतुर्वेदी की. उनकी मास्टर पीसेस, श्रेष्ठ कृतियों को दिखाया गया. वर शोन, कहाँ पे दिखाया गया? टू द भिलायंस. किनको दिखाया गया? भिलाई के लोगों को, भिलायंस को दिखाया गया. एट अ यूनिक एक्सपो, यूनिक मीन्स अनोखा, अनोखा एक्सपो में. एक्सपो मीन्स प्रदर्शनी. एक अनोखे प्रदर्शनी में उनके श्रेष्ठ कृतियों को दिखाया गया. वेयर शी प्रेजेंटेड आर्टवर्क, जहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, दर्शाया आर्टवर्क, अपनी कला को. मेड आउट ऑफ वेस्ट, जो कि बने थे बेकार की चीज़ों से, लाइक भुट्टा, मेज, भुट्टा आप जानते होंगे, एंड बनाना पील्स, और केले के छिलकों से. द रैशाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर टाउन एडमिनिस्ट्रेशन आर के अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे. एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी. इनॉग्रेटेड मीन्स उद्घाटन किया. आर्ट गैलरी मीन्स कला गलियारा. द रैशाली बेस्ड आर्टिस्ट, ये कौन है? रैशाली की रहने वाली थी. कौन? रुक्मणी चतुर्वेदी. जी हाँ. और उनका एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड, उनके एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया था, यानी उद्घाटन किया गया था. किनके द्वारा? बाय द जनरल मैनेजर, वहाँ के जनरल मैनेजर के द्वारा, जो कि टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, और उनका नाम था आर के अग्रवाल. ये जो प्रदर्शनी थी, इसे नेहरू आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था. यूटिलाइजिंग मेज, पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना ट्री लाइक इट्स लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. रुक्मणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग एंड कोलाजेस. यूटिलाइजिंग मीन्स उपयोग करते हुए,
मेज मीन्स मक्का, पाम लीव्स मीन्स ताड़ का पत्ता, इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली, कलाजेस मीन्स कागज कपड़े इत्यादि के टुकड़ों के आकृति बनाने की कला, यूटिलाइजिंग मेज पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना ट्रीज. यूटिलाइजिंग मीन्स उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हुए, मेज का, भुट्टे का एंड पाम लीव्स ताड़ के पत्तों का एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना ट्रीज. बनाना मीन्स केला का जो पेड़ है उसके विभिन्न भागों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि उसके लाइक इट्स लीव्स उसके पत्तों का, फ्लावर्स उसके फूलों का, उसके विभिन्न भागों का इस्तेमाल करते हुए रुक्मणी चतुर्वेदी ने क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग. उन्होंने बनाया, क्रिएट किया इम्प्रेसिव प्रभावशाली पेंटिंग तैयार की, कलाकृति तैयार की एंड कोलाजेस. पेंटिंग तो आप सब जानते हैं और बनाते भी होंगे. कोलाजेस मीन्स क्या होता है, ये वर्ड नया है आपके लिए. आप पर्यावरण के चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे पत्ते, लकड़ी, दाल, चावल, कुछ भी अनाज या कागज के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, कोरे कागज पर जब हम कोई आकृति बनाते हैं उसे हम कोलाज कहते हैं. आप भी बना सकते हैं. शी हैज क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट, नेचर, हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एमोंग मैनी अदर्स. आर्टिस्टिक मीन्स कलात्मक, रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व. शी हैज क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा. उन्होंने बनाया आर्टिस्टिक, एक कलात्मक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किया किसका, गॉडेस दुर्गा का, देवी दुर्गा का. और साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट, मुख्य द्वार को बनाया गया रुक्मणी चतुर्वेदी के द्वारा. साथ ही साथ नेचर, प्रकृति को भी उन्होंने बनाया. और हिस्टोरिकल फिगर, ऐतिहासिक महापुरुषों के भी चित्र बनाए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी और एमोंग मैनी अदर्स, उनमें से ही और कई लोगों के. विदाउट यूजिंग पेंट द कोलाजेस वर यूनिक एंड सब्टली क्राफ्टेड. मिस रुक्मणी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ. क्राफ्टेड मीन्स तैयार किए गए, क्रिएशंस मीन्स कृतियों. विदाउट यूजिंग पेंट, बिना पेंट का इस्तेमाल किए, जब आप चित्रकारी करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें आप पेंट का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स. लेकिन रुक्मणी चतुर्वेदी ने बिना पेंट का इस्तेमाल किए द कोलाजेस वर यूनिक. उन्होंने कोलाजेस बनाए जो यूनिक थे, अनोखे थे एंड सब्टली क्राफ्टेड, और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से क्राफ्ट किए गए थे, उसे जमाए गए थे. मिस रुक्मणी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन. रुक्मणी सक्सेसफुल रही, सफल रही मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन, अपने आर्टिस्टिक मीन्स अपने कलाकृति को जीवंत बनाने में वह सफल रही. मीन्स उनकी जो कलाकृतियाँ थी वो बिल्कुल जीवंत लगती थी, अनोखी लगती थी. ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ रुक्मणी, मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बर्डिंग आर्टिस्ट्स ऑफ द स्टील सिटी. Expressed means व्यक्त किया, Expo means प्रदर्शनी, Inspiration means प्रेरणा स्रोत, Budding means नवोदित. Greatly impressed, बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर, किससे, By the artistic skill, कलात्मक योग्यता को देखते हुए. किसकी कलात्मक योग्यता, रुक्मणी चतुर्वेदी की. बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, कौन, मिस्टर आर के अग्रवाल. और उन्होंने एक्सप्रेस किया, होप, उम्मीद व्यक्त की
that the expo will serve as an inspiration. यह जो प्रदर्शनी है यह एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी for budding artist. Budding artist means नवोदित, जो नए कलाकार हैं, जो अभी सीख रहे हैं, ऐसे उभरते हुए नए आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा योगदान साबित होगा, एक प्रेरणा स्रोत बनेगा ऑफ द स्टील सिटी, इस स्टील सिटी के नए कलाकारों के लिए. मिस रुक्मणी'स कलेक्शंस ऑफ 22 पेंटिंग्स वॉज पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ 3 वुमेन आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज बाय पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी. कलेक्शन मीन्स संग्रह, ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित किया गया, पब्लिक मीन्स जनता, रिलेशन मीन्स रिश्ता. मिस रुक्मणी'स कलेक्शंस ऑफ 22 पेंटिंग्स, मिस रुक्मणी के टोटल कितने पेंटिंग्स थे? 22 पेंटिंग्स के कलेक्शन थे, संग्रह था. वॉज पार्ट ऑफ ज्वाइंट एग्जीबिशन, वह एक हिस्सा था ज्वाइंट एग्जीबिशन का. ज्वाइंट मीन्स सम्मिलित, सम्मिलित प्रदर्शन किसका था? ऑफ 3 वुमेन आर्टिस्ट, 3 महिला कलाकारों का सम्मिलित प्रदर्शन था. ऑर्गेनाइज बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा. ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में था. एट नेहरू आर्ट गैलरी, और इस प्रदर्शनी को कहाँ पे आयोजित किया गया था? नेहरू आर्ट गैलरी में आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था. द अदर टू आर्टिस्ट, मिस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई एग्जीबिटेड पेंटिंग्स मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर्स. चारकोल एंड पेंसिल वॉज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिस रमादत्त जोशी ऑफ रायपुर. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, वाटर कलर मीन्स जल रंग, चारकोल मीन्स लकड़ी का कोयला. द अदर टू आर्टिस्ट, एक तो आप जान ही गए हैं रुक्मणी चतुर्वेदी, और जो दो कलाकार थे वो कौन थे? मिस कुसुमलता वैद्य, जो कहाँ की थी? फ्रॉम भिलाई एग्जिबिटेड पेंटिंग, उन्होंने अपना पेंटिंग्स को दर्शाया, एग्जिबिट किया. मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स, जो कि प्राकृतिक रंगों से बनाए गए थे. एंड वाटर कलर्स, और वाटर कलर से बनाए गए थे. वाटर कलर का इस्तेमाल तो आप भी करते हैं, रंगों को जो पानी में हम घोलकर अपने चित्रकला में रंग भरते हैं उसे वाटर कलर कहते हैं. चारकोल एंड पेंसिल, कोयला और पेंसिल एक कलात्मक माध्यम था, क्रिएटिव माध्यम था मिस रमादत्त जोशी के लिए, जो कि रायपुर की थी. बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि नेचुरल कलर क्या होता है. प्राकृतिक रंग, जिसे हम प्रकृति से लेते हैं, जैसे कि कत्थे से हम लाल रंग ले सकते हैं, टेसू के फूल से हम पीला रंग ले सकते हैं, हल्दी से हम पीला रंग ले सकते हैं, और मेहंदी से हम भूरा रंग ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं और पीला भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम चूने से सफ़ेद रंग ले सकते हैं. तो इस प्रकार से प्रकृति में ही सारे रंग समाए हैं और आप उन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स, मिस वैद्य यूज्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर, वाइल मिस जोशीज 9 पेंटिंग्स डिपेक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स. एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स पर्यावरण के अनुकूल, ह्यूमन इमोशंस मीन्स मानवीय भावनाएं, डिपिक्टेड मीन्स वर्णन किया हुआ. इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स मिस वैद्य ने अपने 13 पेंटिंग्स जो उनके थे उसमें उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर्स, पर्यावरण मित्र रंगों का, उनके अनुकूल रंगों का इस्तेमाल किया. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं और कहाँ से मिलते हैं, उन्होंने इन रंगों का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन इमोशंस को बताए, मानवीय भावनाओं को. हमारे भाव हमारे चेहरे में दिखते हैं,
जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, हर भाव हमारे चेहरे में ही दिखता है। उन भावों को उन्होंने प्राकृतिक रंगों के जरिए दर्शाया और साथ ही साथ नेचर, प्रकृति को भी अपने रंगों में उतार दिया। While Miss Joshi's 9 paintings depicted the life of locals, जबकि Miss Joshi के 9 paintings थे जिसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ था life of locals, वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन को। Mr. Agrawal commended their creative efforts and congratulated the organizer for bringing such unknown artists to limelight. Commended means सराहना किया, creative means रचनात्मक, efforts means प्रयासों, congratulated means बधाई दिए, limelight means प्रसिद्धि। मिस्टर अग्रवाल ने कमेंडेड मींस सराहना की देयर क्रिएटिव एफर्ट्स, उनके क्रिएटिव मींस रचनात्मक प्रयासों के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड और उनको बधाई भी दिया। द ऑर्गेनाइजर, किनको बधाई दिया? ऑर्गेनाइजर्स को, व्यवस्थापक को, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। फॉर ब्रिंगिंग सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट, किस लिए बधाई दिया? क्योंकि उन्होंने, ब्रिंगिंग मतलब लाना, उन्होंने लाया, किनको लाया? अननोन आर्टिस्ट को। तीनों जो महिला कलाकार थे ये अननोन थे, इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इनको लाया गया लाइमलाइट में। इनको लाइमलाइट मींस होता है प्रसिद्धि। जब इन्हें जनता के सामने लाया गया तो इन्हें प्रसिद्धि मिली और इसी प्रसिद्धि के वजह से हमारे मिस्टर अग्रवाल उन्हें बधाई देते हैं, ऑर्गेनाइजर को। Presented at the inaugural function were Chief Engineer in charge TA, Town Administration, Mr. K.K. Sharma, Chief Education Officer Mr. R.C. Singh, internationally acclaimed Panthi exponent Devdas Panjare, eminent artist Das Gupta, senior officers of the plant and public. The exhibition ended on September 20. Acclaimed means prasansa kiya. Exponent means pratipadak. Eminent means prakhyat. Present at the inaugural function. Is udghatan samaroh mein present the, matlab upasthit the, kaun? Chief engineer. In charge, TA means town administration, Mr. K.K. Sharma ji. Chief education officer, Mr. R.C. Singh ji maujud the. Aur internationally acclaimed, matlab antarashtriya roop se prakhyat, prasansit, panthi exponent. Exponent means hota hai pratipadak. Panthi nritya ke pratipadak. Jaise ki aap jante hain, panthi nritya Chhattisgarh ka बहुत ही फेमस नृत्य है। इनके प्रतिपादक मिस्टर देवदास बंजारे, एमिनेंट आर्टिस्ट दास गुप्ता, एमिनेंट मीन्स प्रख्यात, प्रख्यात कलाकार मिस्टर दास गुप्ता जी, सीनियर ऑफिसर ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक। प्लांट मीन्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के सीनियर ऑफिसर्स और वहाँ की पब्लिक, वहाँ की आम जनता सब मौजूद थे वहाँ पे उस एग्जीबिशन में। द एग्जीबिशन एंडेड ऑन सितंबर 20। इस एग्जीबिशन का, इस प्रदर्शनी का अंत हुआ सितंबर 20 को। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन कलाकारों से बहुत प्रभावित हुए होंगे और आप भी प्राकृतिक रंगों के द्वारा नए नए पेंटिंग्स बनाएंगे जो कि नेचर फ्रेंडली हो, प्रकृति मित्र हो। चलिए बच्चों, कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु डज हर रिफर टू इन द रिपोर्ट? यहाँ पे हम हर किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑप्शन ए रुक्मणी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मिस वैद्य, ऑप्शन सी थ्री विमेन आर्टिस्ट। जी हाँ,
सही उत्तर है रुक्मणी चतुर्वेदी. वेयर हैज दिस रिपोर्ट बीन टेकन फ्रॉम? यह रिपोर्ट कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए जिंदल स्टील प्लांट, ऑप्शन बी नेहरू आर्ट गैलरी एट भिलाई, ऑप्शन सी टाटा स्टील प्लांट. जी हाँ बच्चों, नेहरू आर्ट गैलरी एट भिलाई. विच सिटी वॉज द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन? कौन से शहर में इस एक्सपो का, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी भिलाई. जी हाँ, ऑप्शन सी भिलाई. तो बच्चों, कुछ हम ग्रामर के पोर्शन को देख लेते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में टेंस के बारे में. टेंस का मतलब तो आप कुछ कुछ जानते ही होंगे. काल, हम कालों को तीन भागों में विभाजित करते हैं. पहला है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. और आप ये भी जानते होंगे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो भी वर्तमान में हो रही गतिविधियों को, मतलब आज के समय को हम वर्तमान काल कहते हैं. बीते हुए कल को हम कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस. और भविष्य के लिए जो हम वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जो भविष्य के लिए हम शब्दों वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं भविष्यकाल के वाक्य. आइए बच्चों, अब हम इसके देख लेते हैं कि इन वाक्यों को हम बनाएं कैसे. इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. और वो स्ट्रक्चर बनता कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म और एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट. वैसे ही पास्ट टेंस में अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. फ्यूचर टेंस की अगर हम बात कर ले तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से बनता है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो देख लेते हैं बच्चों कि सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं. ये सब्जेक्ट होता क्या है? ये कर्ता होता है, वाक्य का कार्य करने वाला कर्ता. वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया. जो कर्ता कार्य करता है वह क्रिया कहलाता है. और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्म, जो कार्य किया गया. अब मैं इसे एक उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहूंगी. आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ. आई रॉट अ लेटर, मैं पत्र लिखी थी. और अगर इसे ही हम भविष्य काल में बोले तो कैसे बोलेंगे? आई विल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगी. बच्चों, इसमें मुख्य चीज हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर टेंस में वर्ब को बदलना पड़ता है. उसके जो रूप है वो बदलते रहते हैं. अब आती है आपकी होमवर्क की बारी. मेक अ कोलाज ऑफ योर ओन विद बीड्स और पेपर बाइट्स एंड लीव्स एंड शो टू योर फ्रेंड्स. आपको एक कोलाज बनाना है खुद से, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर के टुकड़ों का, पत्तों का, कुछ दालों का. एंड शो टू योर फ्रेंड्स, और इसे आपको अपने दोस्तों को दिखाना है, अपने टीचर को और अपनी फैमिली को. थैंक यू.